मंत्री जी ने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जहां बिहार के लोग बिहार से बाहर शिक्षा के लिए जाने के लिए मजबूर है। नमस्कार, न्यूज़ पुनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम जो नेता है अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी हाजीपुर पहुंचे हैं और हाजीपुर में जमकर बिहार सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। जिस तरीके से हम लोग को अपमानित होना पड़ता है, आज हम लोग का डिग्री का कोर्स भैया कितने साल चलता है? हाँ, कितने साल? 3 साल का कोर्स कितने साल? 5 साल। सोचिए, ये है बिहार की शिक्षा व्यवस्था जहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग फख्र करते थे। आज मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जहां बिहार के लोग बिहार से बाहर शिक्षा के लिए जाने के लिए मजबूर है, सेहत के लाभ के लिए मजबूर है। जो मुख्यमंत्री खुद अपने मोतियाबिंद के इलाज के लिए 1000 किलोमीटर की फ्लाइट लेकर दिल्ली जाते हैं, सोचिए उस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होगी। साथियों, इस संकल्प के साथ क्या लोगों ने जिले में एक विकसित बिहार बनाया? इस संकल्प के साथ क्या आने वाले दिनों में बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाना है? आइए हम सब आज इस मैदान से ये संकल्प लेकर जाए। आज इस कड़कड़ाती ठंड में जिस भारी संख्या में आप लोग मौजूद हैं, ये इतने में दर्शाता है कि आप लोगों का विश्वास बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट पर है। ये वादा पूरा आप लोगों से करता हूं, बस आप लोग अपना साथ दीजिए। बदले में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट हम सब मिलकर बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबको इस सभा में आने के लिए, यहाँ पर इस सभा में आने के लिए और इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाने के लिए मौजूद यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, तमाम अलग अलग प्रखंड, अलग अलग पंचायतों से आए हुए पार्टी के तमाम पदाधिकारियों का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय। आपने सुना कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है और बिहार में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था है इसको लेकर बेखूब बरसे। आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।